हाँ हाय एक्साइटेड नहीं, अब तो एक्साइटेड है। इट इज़ लाइक जब हम लोग एग्ज़ाम लेके आते हैं तो एग्ज़ाम के बाद का जो रिजल्ट है वो माहौल चल रहा है, तो इट इज़ गुड। इट इज़ फीलिंग ऑफ सरेंडर्ड ऑल्सो, क्योंकि जितनी मेहनत हमने करनी थी हम सब लोगों ने, जो जो करना था वो हम लोगों ने कर लिया। नाउ अब चीज़ें सबके सामने हैं, पीपल विल वॉच एंड दे डिसाइड। नो मैं हम लोग बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, वी आर जस्ट ब्लैंक एंड वी आर वेटिंग फॉर। सी कई बार क्या होता है ना कि जब चीज़ें होती हैं तो देन यू आफ्टरवर्ड रियलाइज कि व्हाट्स हैपेंड। जो कुछ भी अभी हो रहा है इसको होने में कुछ 20 साल लगे हैं, मतलब आई स्टार्टेड इन 96। और कहते ना कि एक जर्नी स्टार्ट होती है और उसके बाद वेन यू रीच समवेयर, जर्नी एक जगह पे आके आप डेस्टिनेशन पे पहुँचे हो, सो उस टाइम वाली फीलिंग है कि यू हैव रीच हियर। इतने सालों तक यही चाहिए था, यही करना था, आई वॉन्टेड टू मेक अ मूवी, फाइनली आई मेड इट, नाउ इट इज़ आउट। सो अब एवरीथिंग इज। सो व्हाट वाज द अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स ड्यूरिंग विच जर्नी, द मेकिंग ऑफ द मूवी और एंटायर जर्नी? मेकिंग ऑफ द मूवी वॉज ब्लेस्ड, कोई हर्डल नहीं था, मस्के की तरह स्टार्ट हुआ, आराम से कंप्लीट हुआ। हाँ, जो 20 साल की जर्नी, उसमें तो बहुत सारे हर्डल है, बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है, जो भी है एक्सपेक्टेड है। एक्सपेक्टेड इसलिए है क्योंकि हर एक का परसेप्शन है, हर एक के लिए चीज़ें हैं, अगर हम लोग कुछ करते हैं सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप एक ही चीज़ को देख के आप अलग चीज़ कहेंगे। मैं फिल्म मेकिंग में कहूँ तो मैं खाने की तरह बात करूँ तो ज़रूरी नहीं कि हर आदमी को आलू के पराठे अच्छे लगें, कुछ इटालियन खाते हैं, कुछ अलग तरीके खाते हैं, कुछ सबका अपना अपना फ्लेवर है। सो जो रिएक्शंस हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि हर एक ने अपने अपने इंडिविजुअल स्वाद के हिसाब से बताना है कि ये फिल्म अच्छी है, ख़राब है, बहुत अच्छी है या देखने लायक नहीं है या अल्टीमेट है। सो हमने एक डिश तैयार की है, नाउ पीपल हैव टू डिसाइड कि वो उस डिश को खाने वाले कौन कौन लोग हैं, सिंपल। और आप लोग ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। और आप लोग ज़रूर बताएं, देखें कि कैसी लगी, क्योंकि ये सिंसियर एफर्ट है। और हम लोग जिस हिसाब से कई जगहों पे बोले हैं कि एज अ मेकर, एज अ स्टोरी टेलर, हम जब फिल्म बनाते हैं तो हम वो 100 200 500 करोड़ क्लब वाली बात तो नहीं है। हम लोगों का एक होता है कि हमने एक कहानी कही है, अगर ये लोगों को पसंद आएगी, चलेगी, तो हमें दूसरी कहानी कहने का मौका मिलेगा। सो इट इज़ जस्ट अ बेसिक थिंग ऑन द ग्राउंड वेयर वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, बिकॉज हमारा कुछ ऐसा ब्रांड नहीं है जिसपे मुझे ये टेंशन हो कि यार मेरा ब्रांड खराब होगा। सो वॉट एवर आई हैव गिवन, नाउ इट इज़ अप टू यू ऑल टू डिसाइड। एंड आई हैव गिवन मनी। Thank you. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.